पकड़ के लो। पकड़ के रखिए। ऊपर आइए। करण, ये कैसे? ये कुछ नहीं हुआ, तुम हो ना? नहीं करण, अगर ऐन वक्त पर वो औरत नहीं आती ना, तो हम पता नहीं कहाँ गई। चले एक आखिरी बार पूछ लेते हैं, वरना भाड़ में जाए, आती रहे अपने आप अकेले दंगों में। करण आभा, ठीक तो तुम लोग? हाँ, और दादी कैसी? दादी ऊपर है, शैली भी ऊपर गई है। मैं डॉक्टर का इंतजार कर रहा हूँ, वो शायद दंगों में कहीं फंस गए होंगे। तुम लोग ऊपर जाओ। ओके। एक्सक्यूज मी। हेलो, तू वापस अंदर कैसे आया? हाँ, इधर दे। मामा जी, अब ये खिड़की के पास क्या कर रहे हैं? मैं अम्मा जी को देखने आया था। जाने कैसे अचानक बीमार हो गई और बेहोश हो गई वो। मुझे उनकी बहुत चिंता होने लगी है। है ना? कितना मीठा बोलते हैं आप मामा जी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे डायबिटीज ना हो जाए। यशोधरा, हमें लगता है हमें गाड़ी छोड़ के आगे चलना चाहिए। चलिए चलिए। दो मिनट। कनिका जी उठिए प्लीज। कनिका जी, ये इस उम्र में इस तरह की लापरवाही क्या कर रहे आप लोग? परवाही? ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉक के हो सकते हैं। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? या फिर तो अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? यहाँ इन्हें कैसे शॉक लग सकता है? जी मैं सही कह रहा हूँ। बताओ मेरी बेटी कनिका कहाँ है? देखिए अंकल, शाम को घर में पार्टी थी, बहुत सारे लोग आए थे, कनिका भी थी। मैं तो ड्रिंक लेके बेहोश हो गया था। उठने के बाद सब लोग कहाँ गए? कनिका कहाँ गई? मुझे कुछ नहीं पता अंकल, कसम से मुझे कुछ नहीं पता। जी छोड़िए, ये वक्त इस पर गुस्सा करने का नहीं है। पहले कनिका को ढूंढते हैं। एक बात याद रखना, अगर मुझे मेरी बेटी कनिका नहीं मिली ना, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। स्क्रू, ये तार लगता है किसी ने काटा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है?